Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Those who are new to my channel, myself Vaibhavisha, and I create videos about makeup, shopping haul, beauty tips, DIY hacks and many more. So if you're interested in my content, please hit the like, share and subscribe button. So without any further delay, let's talk about today's topic, which is makeup tutorial. I'm going to do no makeup makeup tutorial for you guys, taki abhi new year aane wala hai aur we have to say bye bye to 2021 and welcome to 2022. So we should welcome it with a good way and good skin, good makeup, good look. So welcome to 2022. Hope ye saal pichle 2 saal se bahut better ho. So chaliye dekhte hain ki ye wala makeup look kaise create karte hain. So yeah, let's start the video. So I have already followed my morning skincare routine and now I'm gonna start with primer. So I'm using this Lakme Absolute Glow Perfect Primer. We should not skip primer at all because primer जो है वो हमारे open pores को close करता है और हमें एक अच्छा सा base देता है हमारा makeup करने के लिए. So मेरी skin अभी थोड़ी सी damage हो चुकी है due to lot of travel. So मैं यहाँ पे primer ज़्यादा use कर रही हूँ ताकि जो मेरे open pores है वो visible ना हो. मैं मेनली अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. सो प्राइमर अच्छे से अप्लाई और मसाज होने हो जाने के बाद मैं इसे 10 टू 15 सेकंड्स तक ऐसे ही रहने दूंगी. देन आफ्टर आई विल अप्लाई नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग इज मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन. सो आई एम जस्ट टेकिंग वन पम्प राइट नाउ और मैं इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी हमारे फेस पे. गाइज इसका जो फार्मूला है फाउंडेशन का, आई जस्ट लव दिस फार्मूला और ये मेरी स्किन पे एकदम अच्छे से काम करता है और एकदम लगता भी नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है. मेरी स्किन टोन को भी अच्छे से सूट करता है. मैं ब्यूटी ब्लेंडर में हुडा ब्यूटी का स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने ऑलरेडी वेट कर लिया है और मैं इसे डैप डैप करके अप्लाई करूँगी. अगर आप ड्राई स्पंज यूज़ करोगे और एक साइड वेट स्पंज यूज़ करोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. आप एकदम इजीली हो जाएगा आपका स्पंज जब वेट होगा तब. सो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर गुड मेकअप और द लॉन्ग लास्टिंग मेकअप. और हमें नेक पे और ईयर्स पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना है ताकि वो हमारे फेस से एकदम डिफरेंस ना लगे. अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद एज यू कैन सी ये मेरी स्किन को एकदम सूट करता है. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर विच इज़ फ्रॉम मेबलिन फिट मी. सो मैं यहाँ पे न्यू टेक्निक से कंसीलर लगा रही हूँ. आई वॉच मैनी यूट्यूबर्स डूइंग दिस टेक्निक टू डू कंसीलर. सो आई एम ट्राइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम एंड लेट्स सी के कैसा रहता है. और मैं अपने डार्क एरिया पे भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. After concealer, I am using this नायका Skin Genius BB Cream All in One Cream. मैं यहाँ पे जस्ट वन ड्रॉप ले रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो. सो बाई मिस्टेक मुझसे रॉन्ग शेड ऑर्डर हो चुका था और वो मेरी स्किन टोन से बहुत डार्क था. सो मैं इसे कॉन्टर की तरह यूज़ कर रही हूँ. अगर आप कॉन्टर करते हो और आपको समझ भी नहीं आता कि कॉन्टर कहाँ पर अप्लाई करना है तो आप अपना मुँह ऐसा करो और कॉन्टर अप्लाई करो. और मैं यहाँ पर अपने फोरहेड पर भी कर रही हूँ. देन आफ्टर आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू जस्ट डैब. फ्रेंड्स अगर आपसे भी रॉन्ग शेड ऑर्डर हो चुका है और आपने इसे पैच टेस्ट कर लिया है तो आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते हो. तो आप भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो. अगर लाइट शेड ऑर्डर हो चुका है तो आप इसे हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हो. अगर डार्क शेड ऑर्डर हो चुका है तो आप इसे कॉन्टोर की तरह यूज़ कर सकते हो. सो आई लाइक द न्यू वे टू अप्लाई कंसीलर. अभी मैं इसी मेथड से कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ ताकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगता. सो मैंने यहाँ पे अपने कंसीलर को ब्लेंड कर दिया अच्छे से. अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रश टू कॉन्टोर. मैं यहाँ पे मेकअप फॉर यू का ब्रश यूज़ कर रही हूँ. सो आप देख सकते हो का ये इतना ब्रश एकदम वैसा ही जैसे कॉन्टोर करते हैं. सो हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है और हमारे हेयर पे लेके जाना है उसे ब्लेंड करते करते.
अच्छे से प्लान कर लिया मैंने। अभी आप देख सकते हो डिफरेंस कि आपका फेस कितना लिफ्ट लग रहा है आपको। कॉन्टूर हमारे फेस को एकदम अच्छे से शेप देता है और फेस को एकदम अलग ही लुक देता है। और मैं ये वाले चीक पे भी अप्लाई कर लूँगी और मैं अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ टू गिव द ब्राउनिश टोन ऑन माई फेस। सो एज यू कैन सी एकदम अलग लग रहा है मेरा फेस और एकदम आप देख सकते हो कि कितनी क्लियर लाइन आई है मेरी कॉन्टूर की। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस लैकमे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट पाउडर। आई एम यूजिंग द सेम मेकअप फॉर यू ब्रश। मैंने एकदम लाइट प्रोडक्ट ही लिया है कॉम्पैक्ट का। आपको विंटर में ज़्यादा पाउडरी चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, आपको सिर्फ लिक्विड चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए मेकअप में भी, ताकि फेस एकदम हाइड्रेटेड लगे और ड्राई ना हो जाए। सो आफ्टर कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। आई एम यूजिंग दिस शिमरी शेड टू अप्लाई ऑन माई आईब्रो बोन। एंड देन आफ्टर आई एम यूजिंग दिस मेकअप फॉर यू आई शेडो ब्रश टू अप्लाई ऑन माई आई बॉल। मैं थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ टू गिव दिस लाइट शिमरी इफेक्ट ऑन माई आईज। सो उसी शेड को यूज़ कर रही हूँ मैं अपने अंडर आई पे। सो बिफोर अप्लाइंग एनी ब्लैक आई एम यूजिंग दिस मेकअप फिक्सर फ्रॉम फेसेस कनाडा और इसे मैं शेक करके स्प्रे कर रही हूँ फॉर सर्टेन डिस्टेंस। स्प्रे करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हुडा बूटी का स्पॉन्ज और मैं इसे अपने फेस पर डैब डैब करूँगी ताकि जो हमने स्प्रे किया है फिक्सर वो हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देन आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट का लिप पाउट क्रेयॉन। सो मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ। लिपस्टिक जो है वो हमारे मेकअप में जान डाल देता है तो हमें लिपस्टिक को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का हाइपोकॉल मस्कारा जो कि मेरा करंट फेवरेट मस्कारा है और मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर दूंगी। सो आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मैक का काजल। सो मुझे अपना आई लुक सिंपल रखना था तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ अपने आईज पे। सो या माई मेकअप इज़ रेडी टू वेलकम 2022। होप आपको अच्छा लगा हो। और सो या ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया। अगर आप ये वाला लुक क्रिएट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो टैग मी। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ वहाँ पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे बोलने की स्टाइल और अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो कोलाबरेट विथ मी। आई विल गिव माई बिजनेस इंक्वायरीज ओवर हियर। यू कैन ऑल्सो मेल मी और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। So yeah, that's all for the video. Stay tuned for the next one and always spread love and happiness. Thank you. Bye.